मुस्लिमों के सबसे बड़े त्यौहार ईद उल फितर की तैयारी जोरों पर है। अब बस चांद के दीदार का इंतजार है। चांद के दिखते ही ये पर्व मनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। ईद उल फितर इस बार 13 मई को नहीं मना क्योंकि चांद नजर नहीं आया। अब ये त्यौहार 14 मई को धूमधाम से घर पर ही मनाया जाएगा। बता दें कि इस बार मीठी ईद पर कोरोना का साया रहेगा। कुछ पाबंदियों के बीच ये त्यौहार मनेगा। 13 मई को आसमान में बादल छाए रहे जिसके कारण चांद लोगों से रूठा रूठा रहा। ताजा जानकारी की बात करें तो गुरुवार को चांद सुबह 6:30 पर उदय होगा और उसके अस्त होने का समय शाम को 8:30 है। ऐसे में ये संभावना है कि चांद का गुरुवार को दीदार हो जाए और ईद की खुशखबरी मिल जाए।